महाशय धर्मपाल जी जो शख्स हैं, उनको इस दुनिया में, इस देश में कौन नहीं जानता। लगातार 90 वर्ष से एक अपने आप को इस प्रकार की छवि से लपेटे हुए, जिसके निकट जाते ही कोई भी व्यक्ति सहज ही उनके खिंच सा चला आता है। आज उनके शुभ अवसर पर, 90वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य होना, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज हम सब उनके ही जन्म दिवस के आयोजन के लिए दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में उपस्थित हुए, एकत्र हुए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि हम मंच पे आरंभ होने वाले कार्यक्रम को विधिवत शुरू कर सकें। मेरा सभी दिल्ली सभा के प्रधान ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी, दिल्ली सभा के सभी अधिकारीगण, आर्य केंद्रीय सभा, दिल्ली राज्य के सभी अधिकारीगण, उनसे मेरा अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया यहाँ पर इस समय शुभकामनाएं देने का जो आपका मन है, उसको थोड़ा सा इस कार्य को बाद में संचालित करेंगे ठीक इसी प्रकार से। और आगे मेरा सभी हमारे आगे मित्र के भाई बृहस्पति आर्य जी, भाई जितेंद्र जी, सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी कृपया सभी महानुभावों को निवेदन पूर्वक एक बार हम मिलकर के नारा लगाएंगे, जो बने सो अभय, वैदिक धर्म की जय हो। आज के शुभ अवसर पर जिस परम गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य आदरणीय महर्षि धर्मपाल जी का जन्म दिवस हम आयोजित कर रहे हैं, उनके उनको भी आज स्मृति करें। मैं नारा लगाऊंगा, आप सभी मेरा साथ देंगे। वेदोद्धारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, भारत माता की। अब मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम मंच के कार्यक्रम को विधिवत आइए मिल करके और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ MDH इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के इन बच्चों की प्रस्तुति के साथ हम इसको आरंभ करेंगे। मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम में आप सभी लोग भी सम्मिलित रहें, सम्मिलित हों। और आज हमारा सौभाग्य ये भी है कि बहुत भारी संख्या में हमारे संन्यास्त वृंद महाशय जी को आगामी जीवन की शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आगे चलते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, जो कि भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, यहाँ पधारे हैं, वे महाशय जी को अपना शुभकामना दें। और उसके तुरंत पश्चात हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा करना चाहेंगे। और दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सभी जितने भी हम विद्यार्थी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और हम महानुभाव सभी, और महाशय जी के साथ में आदरणीय श्री राजीव गुलाटी जी और उनकी धर्मपत्नी और आर्य समाज से, मैं चाहूंगा समस्त विद्वानों की ओर से और सन्यासी मंडल की ओर से मेरा सादर आपसे अनुरोध है कि ये सम्मान की प्रक्रिया लंबी चलेगी, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बाद में हम सब महाशय जी को मिलकर एक एक करके सभी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, सभी देंगे भी।